हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन के फूल की सब्जी। इस सब्जी के खाने से बॉडी का हर दर्द दूर हो जाता है। ये सब्जी नहीं, एक तरह की दवा है। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, ये सहजन के फूल हैं। ये सब्जी साल में 2 महीने के लिए ही आती है, इसलिए इस सब्जी को 2 से 3 बार बनाकर जरूर खाना चाहिए। इससे बॉडी से वाई, ज्वाइंट पेन, घुटनों का दर्द या बॉडी में कहीं भी दर्द हो, ये सब्जी उसे दूर कर देती है। इस सब्जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको इस सब्जी के बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले इन फूलों को अच्छे से साफ कर लें। आप देख रहे हैं कि ये डोडियां हैं, अभी फूल बने नहीं हैं, इसलिए इन डोडियों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। आप एक बर्तन में पानी गर्म करें, उसमें डालें 1 चम्मच नमक। जब पानी गर्म हो जाए तब उसमें ये सहजन के फूल या डोडियां डालकर ओवरनाइट के लिए रख देंगे, क्योंकि ये फूल बहुत कड़वे होते हैं। ऐसा करने से इनकी कड़वाहट कम हो जाती है। फिर आप सुबह इसका सारा पानी अच्छी तरह से निकाल दें। उसके बाद 1 से 2 बार गर्म पानी में नमक डालकर सहजन के फूल को उबालें ताकि सब्जी कड़वी ना बने। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं मैंने सारा पानी अच्छे से निकाल दिया है। सहजन के फूल सब्जी बनाने के लिए तैयार हैं। सहजन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे हम कुछ सेकंड के लिए हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ आलू। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आलू का यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा करने से बच्चे इस सब्जी को खा लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 3 प्याज और 3 टमाटर। इनको मैंने चॉपर में काट लिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 कटोरी मटर के दाने। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक मसालों को पकाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये मटर के दाने और आलू सब कुछ पक चुके हैं और हमारे मसाले भी भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे सहजन के फूल, इसे भी मिक्स करेंगे। सहजन के फूल डालने के बाद 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारे सहजन के फूल की सब्जी बनकर तैयार है। ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ती। फ्रेंड्स, अगर आप सहजन की सब्जी पहली बार बना रहे हैं तो इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखें। आपके साथ साथ आपके बच्चे भी खाएंगे इतनी बेनिफिशियल सहजन की सब्जी। आज की इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को ढेर सारा करना है लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।